हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन चैप्टर अमाइंस के। आपके अपकमिंग प्री फाइनल्स और फाइनल के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं 10, 11 एंड 12, उसके वीडियो लेक्चर जो भी नेम रिएक्शंस के हैं वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो से पहले आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, कार्बाइलामाइन रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट, अमोनोलिसिस, डाइएजोटाइजेशन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड अजोडाई टेस्ट एंड सॉटेनबॉमन रिएक्शन। एनसीईआरटी में एज अ नेम रिएक्शन ये मेंशन नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन से। द फर्स्ट नेम रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इट इज स्टेप डाउन प्रोसेस। स्टेप डाउन प्रोसेस कौन से होते हैं? जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाओ तो एक कार्बन एटम कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा, एंड स्टेप अप प्रोसेस जिसमें कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ अमाइड टू अमाइन हैविंग वन कार्बन एटम लेसर। किसी भी अमाइड की ट्रीटमेंट Br2, NaOH या KOH से कराना है। हॉफमैन इज साइंटिस्ट नेम, ब्रोमेमाइड क्योंकि हम ब्रोमीन की ट्रीटमेंट अमाइड से कर रहे हैं, डिग्रेडेशन ड्यू टू स्टेप डाउन प्रोसेस। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? RnH2, Na2CO3, बाई प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड, 2NaBr प्लस 2H2O। जो भी प्रोडक्ट बनेगा अमाइन 1 डिग्री का, उसमें कार्बन एटम रिएक्टेंट से आप कंपेयर करो तो एक कम ही होगा। एक्चुअल एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमने स्टार्ट किया इथेनामाइड से, CH3CONH2 इज इथेनामाइड, ऑल्सो कॉल्ड एसिटामाइड। ट्रीटेड विद Br2, 4NaOH, इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3NH2 एंड बाई प्रोडक्ट्स आर सेम, Na2CO3, 2NaBr प्लस 2H2O। दिस इज मिथेनामाइन हैविंग वन कार्बन एटम लेसर देन द पेरेंट अमाइड। जो भी आप रिएक्टेंट लोगे प्रोडक्ट में एक कार्बन एटम कम हो जाएगा। C6H5CONH2 बेंजामाइड, Br2 प्लस 4KOH, इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा C6H5NH2 थ्रू डिग्रेडेशन। एंड पोटेशियम के अकॉर्डिंग बाई प्रोडक्ट्स भी आप चेंज कर लो, Na2CO3 बिकम K2CO3, NaBr बिकम KBr एंड वाटर। ये प्रोडक्ट है एनिलीन, इसमें भी रिएक्टेंट से आप कंपेयर करो तो एक कार्बन एटम कम हो जाएगा। हॉफमैन ब्रोमेमाइड का पर्पस क्या है? टू कन्वर्ट अमाइड इनटू अमाइन हैविंग वन कार्बन एटम लेसर। द सेकेंड नेम रिएक्शन हम लिस्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड, थैलीमाइड इज अ कंपाउंड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, इस मेथड का पर्पस क्या है? टू प्रिपेयर 1 डिग्री एलिफैटिक अमाइन स्टार्टिंग फ्रॉम थैलीमाइड। थैलीमाइड प्रोड्यूस कैसे होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में एक रिएक्शन है जहाँ थैलिक एसिड को आप ट्रीट करते हो अमोनिया से, फॉलोड बाय हीटिंग एंड स्ट्रॉन्ग हीटिंग। थैलीमाइड
इसकी ट्रीटमेंट करना है इथेनॉलिक KOH के साथ टू प्रोड्यूस दिस इज थैलीमाइड, टू प्रोड्यूस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। NK पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। अब इसकी ट्रीटमेंट आप करोगे अल्काइल हैलाइड के साथ, X नेगेटिव R पॉजिटिव KX एलिमिनेटेड, और N के साथ अब क्या अटैच्ड हो जाएगा अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O N R, दिस इज एन अल्काइल थैलीमाइड। फाइनली इसकी हमें अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराना है NaOH के साथ टू गेट प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन, इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन मींस RNH2 एंड बाय प्रोडक्ट होगा सोडियम थैलेट C डबल बॉन्ड O ONA C डबल बॉन्ड O ONA 1 degree अमाइन एलिफैटिक एंड बाय प्रोडक्ट इज सोडियम थैलेट, सोडियम थैलेट। इस रिएक्शन से आप एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन नहीं बना सकते क्योंकि अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाता द सॉल्ट फॉर्म ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड से। जो स्टेप आरएक्स के साथ यहाँ पॉसिबल हो पा रहा है वो एआरएक्स बेंजीन रिंग में एक्स अटैच करो, इससे नहीं होगा क्योंकि यहाँ चार्ज सेपरेशन डिफरेंट वे में होगा। तो अराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म बाय थैलीमाइड एंड हेंस एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। चैप्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में हॉफमैन ब्रोमेमाइड एंड गैब्रियल थैलीमाइड है। नेक्स्ट वन इज अमोनोलिसिस, थर्ड इज अमोनोलिसिस। NH3 हैविंग वन लोन पेयर बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया बिहेव करेगा लाइक न्यूक्लियोफाइल। इसकी ट्रीटमेंट करना है आरएक्स के साथ अल्काइल हैलाइड, एक्स नेगेटिव आर पॉजिटिव, इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा RNH3 प्लस एक्स माइनस अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। अब इस सॉल्ट की ट्रीटमेंट आप किसी बेस से करके देखो, NaOH बेस इट विल प्रोड्यूस RNH2 प्लस NaX प्लस H2O, इससे प्रोड्यूस होगा प्राइमरी अमाइन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस के थ्रू हम अल्काइल हैलाइड को 1 degree अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्दर यदि आप प्राइमरी से सेकेंडरी बनाना चाहते हो 1 degree अमाइन, इसकी ट्रीटमेंट फर्दर आरएक्स से किया, एचएक्स रिलीज होगा टू गिव R2NH, दिस इज 2 degree अमाइन। फर्दर इसे आरएक्स के साथ ट्रीट करोगे एचएक्स होगा एलिमिनेट टू गिव R3N, दिस इज 3 degree टर्शरी अमाइन। एंड फर्दर टर्शरी को अल्काइल हैलाइड से आप ट्रीट करो तो फॉर्म होगा R4N प्लस X माइनस 4 degree, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड दिस इज कॉल्ड क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। टिट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड इज कॉल्ड 4 degree क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनोलिसिस का पर्पस क्या है, अल्काइल हैलाइड से प्राइमरी अमाइन बनाना, और कन्वर्जन के लिए आप ये नीचे का मेथड अप्लाई कर सकते हो।
नेक्स्ट एक नेम रिएक्शन है जिसे हम एज अ केमिकल टेस्ट भी यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन ही आइसोसाइनाइड टेस्ट है, तो केमिकल टेस्ट के क्वेश्चन बेस से आ सकते हैं। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट। सभी टेस्ट के रिएजेंट होते हैं, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट का रिएजेंट आप देखोगे तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH, ये इसका मिक्सचर होगा। तो जब भी किसी प्राइमरी अमाइन को, वेदर इट इज़ एलिफैटिक और एरोमेटिक, व्हेन प्राइमरी अमाइन 1 degree अमाइन अंडरगो रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH, इट विल प्रोड्यूस अ फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस आइसोसाइनाइड RNC। ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेस्ट स्मेलिंग की कैटेगरी में एस्टर्स हैं, नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, बट सबसे बेकार स्मेल या तो अमाइन का होगा या फिर इस आइसोसाइनाइड का। आइसोसाइनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बाइल अमाइन, इज फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। कार्बाइल अमाइन फॉल स्मेलिंग, रॉटन फिश रॉटन एग की तरह इसका स्मेल होगा, और ये टेस्ट भी इनहेलेशन टेस्ट है फॉर प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन, फॉर एलिफैटिक और एरोमेटिक, बट इट शुड बी प्राइमरी। 2 degree एंड 3 degree अमाइंस डू नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन, और 2-3 degree के अमाइन को आप आइसोसाइनाइड टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इस नेम रिएक्शन का पर्पस क्या है? प्राइमरी अमाइन, वेदर इट इज़ एलिफैटिक और एरोमेटिक, उसे कन्वर्ट करना आइसोसाइनाइड में, विच इज़ फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस, एंड दिस रिएक्शन कैन एक्ट एज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन 1 degree अमाइन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड हमने कंप्लीट कर लिया, गैब्रियल थैलीमाइड, कार्बाइलामाइन रिएक्शन, अमोनोलिसिस, आगे है डायज़ोटाइजेशन। सैंडमेयर्स रिएक्शन तो आपको चैप्टर 10 के वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। नेक्स्ट वन इज डायज़ोटाइजेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू डायज़ोनियम सॉल्ट। एनिलीन इज ऑल्सो कॉल्ड बेंजीनामाइन। एनिलीन की ट्रीटमेंट करना है सोडियम नाइट्राइड के साथ, 2HCl डाइल्यूट, टेम्परेचर 0 to 5 degree सेल्सियस, केल्विन में आप इसे 273 to 278 लिख सकते हो। इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा N2+Cl- NaCl +2H2, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट। एनिलीन को आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू डायज़ोटाइजेशन। फर्दर इसकी ट्रीटमेंट एनहाइड्रस क्यूप्रस क्लोराइड से करके जब क्लोरोबेंजीन बनाते हैं वो सैंडमेयर्स रिएक्शन होता है। तो सैंडमेयर्स हेलो एल्केन हेलो अरीन चैप्टर में भी मेंशन है और यहाँ अमाइंस चैप्टर में भी है। सैंडमेयर्स रिएक्शन का ही एक ऑप्शन बनाया गया है गैटरमैन रिएक्शन। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि सैंडमेयर्स में जो पर्पस है टू कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन और बेंजोनाइट्राइल, आप यहाँ भी वो काम कर सकते हो। डाइजोनियम सॉल्ट Ar(N2+X- को कॉपर मेटल HCl के प्रेजेंस में, कॉपर HBr के प्रेजेंस में हम ट्रीट करें तो ये डाइजोनियम सॉल्ट वही प्रोडक्ट बनाएगा जो आप सैंडमेयर से ऑब्टेन कर सकते हो। लाइक फर्स्ट में प्रोडक्ट फॉर्म होगा ArCl CuX N2 क्लोरोबेंजीन, ArBr CuX N2
ब्रोमोबेंजीन। हम कैटरमैन को एज अ ऑप्शन ऑफ सैंडमेयर्स ले सकते हैं। सैंडमेयर्स का पर्पस भी यही था, डाइजोनियम सॉल्ट और एनिलीन से स्टार्ट करके क्लोरो ब्रोमो या फिर साइनोबेंजीन ऑल्सो कॉल्ड बेंजोनाइट्राइल प्रोड्यूस करना। गैटरमैन का भी सेम पर्पस है, बट आप सैंडमेयर्स में कॉपर मेटल नहीं लेते, CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, CuCN ये सब लेते हैं रिएजेंट। और कंपेयर करो दोनों मेथड को तो सैंडमेयर्स इज़ फाउंड टू बी बेटर। द यील्ड इन सैंडमेयर्स रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गैटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन के लिए आपको हेलोएल्केन हेलोएरीन का वीडियो लेक्चर देखना है तो कंपैरिजन आपको और बेटर वे में समझ आएगा। तो सैंडमेयर्स को हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज नंबर 7, कपलिंग रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एजोडाई टेस्ट। इस रिएक्शन को भी हम एज अ केमिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं और नेम रिएक्शन के कारण तो ये इंपॉर्टेंट है ही। कपलिंग रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड एजोडाई टेस्ट। इस रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट ही एज अ रिएजेंट यूज होगा, N2+X-। इस रिएक्शन का यूज़ आप कर सकते हो एनिलीन फिनॉल को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए, या फिर एनिलीन किसी के साथ पेयर्ड है, फिनॉल किसी के साथ पेयर्ड है, तो उस केमिकल टेस्ट में ये यूज़ होगा। हमने स्टार्ट किया, डाइजोनियम सॉल्ट लिया एज अ रिएजेंट, N2+Cl- बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, और इसे ट्रीट कर रहे हैं फिनॉल के साथ। डाइजोनियम सॉल्ट प्लस फिनॉल, बेसिक मीडियम, इससे फॉर्म होगा एजो प्रोडक्ट्स। जब भी दो बेंजीन रिंग N2 ग्रुप से कनेक्टेड हो, इस पोर्शन को आप बोलते हो एजो बेंजीन, और इसके पैरा पोजिशन पे OH भी अटैच्ड होगा। इसके बाई प्रोडक्ट्स ऑप्शनल हैं H2O+Cl-। दिस इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। एक कलरफुल डाई है, ऑरेंज कलर का ये डाई होगा। यदि आप डिटेल्ड इसमें आप कंडीशंस भी लिखना चाहते हो तो इस रिएक्शन के लिए pH होना चाहिए 9-10, बेसिक मीडियम एंड कोल्ड, टेम्परेचर बहुत हायर हमें नहीं रखना है। तो डाइजोनियम सॉल्ट अंडरगो रिएक्शन विद फिनॉल टू प्रोड्यूस पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज कलर का डाई होगा। और यही रिएक्शन हम एनिलीन के साथ करा के देखें। डाइजोनियम सॉल्ट विद एनिलीन ऑल्सो कॉल्ड बेंजीनामाइन, तो ऑरेंज कलर का डाई प्रोड्यूस होगा N2+Cl-। एनिलीन OH-। यहाँ भी यदि हम pH देखें तो सेम जैसे मैंने पिछले में बताया 9-10 चाहिए, टेम्परेचर कोल्ड रखना है। यहाँ भी दोनों का कॉन्जुगेशन होगा, दोनों बेंजीन रिंग डायजो से कनेक्टेड होंगे। H2O Cl-, दिस इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सी की जगह हमें क्या टर्म यूज करना है, अमीनो, पैरा अमीनो एजो बेंजीन, येलो डाई। नेम रिएक्शन के साथ साथ इस पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम कपलिंग रिएक्शन के थ्रू, क्या इस रिएक्शन को यूज़ करके हम फिनॉल और एनिलीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। द आंसर इज़ येस। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में आप कलरफुल आउटकम अलग देखते हैं, आउटकम बिल्कुल डिफरेंट है। फिनॉल ने कौन से कलर का डाई बनाया? ऑरेंज डाई।
और स्नेक कौन से कलर का बनाया एनिलीन ने? येलो डाई. दिस इज रिएक्शन नंबर 7 कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन. एंड द लास्ट नेम रिएक्शन इज सॉर्टेन बॉमन. एनसीईआरटी में एज अ नेम रिएक्शन ये मेंशन नहीं है, सॉर्टेन बॉमन रिएक्शन. इस रिएक्शन का पर्पस क्या है? हमने लिया 1 डिग्री का अमाइन मेथेनामाइन, 1 डिग्री अमाइन, और इसकी ट्रीटमेंट आप कराओगे C6H5COCl से. एनसीईआरटी में असाइलेशन एक टॉपिक है, उसके अंदर ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा. दिस इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड. पिरिडीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराना है. प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3NH CO C6H5 + HCl इज अ बाई प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट नेम इज एन मिथाइल बेंजामाइड, एन मिथाइल बेंजामाइड. द प्रोसेस इज कॉल्ड बेंजोइलेशन. ऑफ 1 डिग्री अमाइन. वैसे हम मेथेनामाइन की जगह एनिलीन भी ले सकते थे, तो उस केस में प्रोडक्ट का सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाएगा. एन फिनाइल बेंजामाइड फॉर्म होगा. दिस इज कॉल्ड सॉर्टेन बॉमन रिएक्शन. तो चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन को लेक्चर में कवर कर लिया गया है. और आपको इस प्लेलिस्ट में चैप्टर 10, 11, 12, 13 सभी चैप्टर्स के नेम रिएक्शन मिल जाएंगे. होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.